Welcome friends to my channel. Women's support. दुर्भाग्यवश बहुत सी गंभीर और संभवतया खतरनाक बीमारियां दुनिया भर में आज भी मौजूद हैं। इनमें से कई बीमारियों के मामलों में बचाव ही सबसे बेहतर उपचार है। इन बीमारियों के प्रति शिशु को सुरक्षा प्रदान करने के लिए टीके लगवाना ही सबसे बढ़िया उपाय है। यही कारण है कि भारतीय सरकार भी बचपन में होने वाली कुछ सबसे आम और गंभीर बीमारियों के खिलाफ सभी बच्चों को टीके लगवाने की सलाह देती है। सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम के तहत निम्नांकित बीमारियों के खिलाफ टीके लगाए जाते हैं: तपेदिक टीबी, डिफ्थीरिया, काली खांसी, पर्टुसिस, पोलियो, खसरा, मीजल्स, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, मोतीझरा, टाइफाइड, कंठमाला का रोग, मम्प्स, रूबेला, जठरांत्र शोथ या गैस्ट्रोएंटराइटिस रोटावायरस। आपके शिशु को उपर्युक्त हरेक बीमारी के खिलाफ प्रभावपूर्ण सुरक्षा के लिए एक ही टीके की कई खुराकें लेने की जरूरत हो सकती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि बच्चे को टीकाकरण तालिका के अनुसार टीके लगवाए जाएं। सभी बाल रोग विशेषज्ञ आमतौर पर एक टीकाकरण तालिका देते हैं, जिसमें यह स्पष्ट दिया होता है कि कौन से टीके लगवाना अनिवार्य हैं और उन्हें कब लगवाया जाना चाहिए। सूची में वैकल्पिक टीकों के बारे में भी जानकारी होती है। शिशु के टीकाकरण के बारे में जानकारी के लिए आप हमारी टीकाकरण तालिका इस्तेमाल कर सकती हैं और डाउनलोड करके इसका प्रिंट भी ले सकती हैं। नीचे दी गई बीमारियों के लिए टीके लगवाना वैकल्पिक होता है, जैसे कि न्यूमोकोकस, छोटी माता, छोटी चेचक, चिकन पॉक्स, मेनिंगोकोकल मेनिंजिटिस, इन्फ्लुएंजा। अगर सभी बच्चों को सरकार द्वारा निर्देशित टीकाकरण सूची के अनुसार टीके लगवाए जाएं, तो बचपन में होने वाली बीमारियों के मामले काफी हद तक कम हो जाएंगे। साथ ही 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में भी काफी कमी आ जाएगी। इस तालिका का उद्देश्य इन बीमारियों को पूरी तरह से खत्म करना है। बहुत से अन्य देश यह लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुके हैं। हालांकि जिन देशों में कई बीमारियां पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं, वहां भी डॉक्टर बच्चों को टीके लगवाना जारी रखने की सलाह देते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चों को टीके लगवाना बंद कर दिया जाए तो ये संक्रामक बीमारियां दोबारा से फैल सकती हैं। कोई भी टीका इतना प्रभावी नहीं होता कि 100% सुरक्षा प्रदान कर सके। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का सुझाव है कि इन बीमारियों के दोबारा आने और महामारी बनने से रोकने के लिए उच्च स्तर पर जांच करते रहना जरूरी है। बाजार में नियमित रूप पर नए टीके आते रहते हैं और ये अक्सर उन्हीं पुरानी बीमारियों के लिए ही होते हैं। आपको एक बीमारी के लिए 2 अलग टीकों में से किसी एक का चयन करने या फिर दोनों टीके संयुक्त रूप से लगवाने के लिए कहा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आपके शिशु को मौखिक पोलियो ड्रॉप्स और इंजेक्शन के जरिए पोलियो का टीका दोनों ही दिए जा सकते हैं। यह सब आपको काफी भ्रमित कर सकता है। इन नए टीकों की खुराकें पुराने टीकों से अलग हो सकती हैं। साथ ही बच्चे पर इनके संभावित दुष्प्रभावों और इनकी कीमत में भी अंतर हो सकता है। इसके बावजूद अधिकांश मामलों में इन अलग अलग टीकों के प्रभाव में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए चाहे आप कोई भी टीका लगवाएं, आपके शिशु को उस बीमारी के प्रति सुरक्षा अवश्य मिलेगी। विकल्पों के बारे में डॉक्टर से चर्चा करें और उसके बाद अपने परिवार की जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लें। आशा करती हूं दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल विमेन स्पोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही दबाएं घंटे को, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।